दोस्तों, आप सभी ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पीएम जन औषधि केंद्र योजना के बारे में जरूर सुना होगा, जहां आपको हाई क्वालिटी की मेडिसिन बहुत ही लो प्राइसेस में मिलने लगी हैं। और अगर ये हमारी सरकार ने लॉन्च की है तो आप सोच सकते हैं कि इंडिया में कितनी ज़्यादा ट्रस्टेड है। और साथ ही साथ आप सेल्स का तो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते इनकी फ्रेंचाइजीज का। तो अगर आप भी पीएम जन औषधि केंद्र फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो में बने रहें। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस फ्रेंचाइजी के बारे में सारी डिटेल, जैसे कि आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, पूरा एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, प्रॉफिट कॉन्टैक्ट डिटेल्स और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो वो आपके सामने है। जैसे कि एप्लीकेंट इंडियन सिटीजन होना चाहिए, आपके पास एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए मेडिसिन बेचने के लिए, आपके पास 120 स्क्वायर फीट की मिनिमम स्पेस चाहिए होगी, रेफ्रिजरेटर चाहिए होगा, कुछ मेडिसिन को स्टोर करने के लिए पीसी लैपटॉप चाहिए होगा आपको, 10+2 की डिग्री चाहिए होगी, फाइनेंशियल एसेट्स चाहिए होंगे और भी बहुत कुछ। अगर हम बात करें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर पीएमबी जेपी केंद्र रजिस्ट्रेशन, तो वो है आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ, डिटेल ड्रग लाइसेंस, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, कुछ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स और बैंक अकाउंट डिटेल्स, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स और भी बहुत सारी डिटेल्स जो कि आपकी स्क्रीन पर हैं। अगर हम बात करें प्रोसीजर की, आप इसमें अप्लाई बहुत ही सिंपल और इजी वे में कर सकते हैं, जो कि है सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी और गाइडलाइंस देखनी होंगी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। फिर आपको पीएमजेए के सर्टिफिकेट डाउनलोड करना होगा, उसमें अपनी डिटेल्स एक्यूरेटली फिल करके डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होगा। आपको अप्रूवल के लिए और वेरिफिकेशन के लिए वेट करना होगा। उसके बाद आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम एक्सपर्ट्स कंडक्ट करेंगे आपका। उसके बाद आपको आउटलेट को सेटअप करना होगा और फिर अफोर्डेबल मेडिसिन को बेचना तुरंत स्टार्ट कर देना होगा दोस्तों। अगर आपके इन्वेस्टमेंट कॉस्ट की बात करें तो आपको 120 स्क्वायर फीट का मिनिमम एक स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होगी और आपको एक 5000 की नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस सबमिट करनी होगी। आपका प्रॉफिट की बात करें तो आपको 20% कम से कम प्रॉफिट होगा टैक्सेस को हटा के हर एक एमआरपी पे ड्रग की। कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके स्क्रीन पे हैं दोस्तों। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।